जीवन के बहुत सारे एस्पेक्ट होता है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट के साथ कनेक्टेड है। पांडवस रिटायर टाइमली, तो ये भक्त की लक्षण है। तो पांडव लोग जब चैप्टर का कनेक्शन भगवान श्री कृष्ण की तिरोधान लीला है, पिछले चैप्टर हाँ 14 चैप्टर है भगवान श्री कृष्ण की तिरोधान लीला। तो उसमें हम लोग श्रवण किए किस प्रकार जब अर्जुन को भगवान युधिष्ठिर महाराज जब द्वारका में भेजे थे भगवान की कर्म सूची, भगवान की इच्छा जानने के लिए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान की इच्छा के अनुसार वो राज्य पालन करना चाह रहे थे, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए। युधिष्ठिर महाराज एक बहुत फेथफुल सर्वेंट है भगवान कृष्ण, हरिदास, तीन हरिदास है उसमें से एक है महाराज युधिष्ठिर। उसी प्रकार श्री गुरुदेव भी भगवान के एक फेथफुल सेवक होते हैं, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। तो कृष्ण की इच्छा को जो भूतले इस पृथ्वी में स्थापन करते, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जन भूतले। तो ये गुरु एक आदर्श भक्त होते हैं जो भगवान के फेथफुल सेवक होते हैं, विश्वस्त सेवक, उनको गुरु कहते हैं, जो भगवान की इच्छा को पूरी करते हैं। और ऐसे गुरु के आज्ञा के अनुसार चलना, ऐसे गुरु के आश्रय में रहना, मतलब कृष्ण की आश्रय में, या युधिष्ठिर महाराज अर्जुन जैसे महान भक्तों के आश्रय में रहना। तो भगवान के साथ इन भक्तों का बहुत बहुत क्लोज कनेक्शन है। भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे भक्तों की आश्रय और ऐसे भक्तों की गाइडेंस में चलना भक्ति जीवन की सुरक्षा है, भक्ति जीवन की सही स्थिति है। तो जब बहुत समय तक अर्जुन नहीं आ रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत प्रकार की अपशकुन दिखाई दिया, और युधिष्ठिर महाराज चिंतन करने लगे, क्या कलयुग का तो शुरुआत नहीं हो रहा है, क्या भगवान श्री कृष्ण इस धरित्री पृथ्वी को छोड़ के चले गए, इस प्रकार सोच रहे थे। और वो नारद मुनि के जो इंडिकेशन है, नारद मुनि के जो संकेत है, उसको याद कर रहे थे। और फिर जब अर्जुन वापस आए बहुत समय के बाद, तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को द्वारका और द्वारका में रहने वाले जो महान भक्त है उनके कुशल युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे। तो जब युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे तो अर्जुन, देखे हम लोग ने कितने समय से हम लोग श्रवण कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज अलग अलग भक्तों के बारे में, हाँ, भगवान के पार्षदों के बारे में, भगवान के माता पिता के बारे में, भगवान के सखाओं के बारे में, भगवान के पत्नियां, उनके पुत्र का, हाँ, सब के बारे में भगवान युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे। उसके बाद अर्जुन के बारे में पूछने लगे कि आप भी कुशल है ना, किसके साथ किसने आपके आपके असम्मान तो नहीं किया, या आपने ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, इनको रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए आप दुखी है, इसलिए आपकी जो तेज है, प्रभा है, ये इसलिए कम हो गया, राश हो गया। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को कहने लगे। तभी युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न जब कर रहे थे तो अर्जुन उसके उत्तर दे नहीं पा रहे थे, बहुत समय हो गया, अर्जुन उत्तर दे नहीं पा रहे थे। अर्जुन के आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रहा था, अर्जुन के बाक रुद्ध हो गए थे,
और अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न की उत्तर दे नहीं पा रहे हैं। तो अर्जुन के भाव किस प्रकार थी, अर्जुन के भाव किस प्रकार थी, पांडवों के भाव किस प्रकार होते हैं, और पांडव लोग भगवान के भगवान के जो अप्रकट लीला से अर्जुन पांडव लोग क्या करते हैं, वो इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है भक्तों के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है भक्तों के लिए कि भक्तों लोगों को किस प्रकार भगवान के साथ जुड़े रहना चाहिए, भक्तों लोगों को किस प्रकार भगवान के जो आदेशों का पालन करना चाहिए, पूरी जीवन भगवान की उपस्थिति में, भगवान की अनुपस्थिति में, भगवान के गुरु के उपस्थिति में, गुरु के अनुपस्थिति में है, और किस प्रकार भक्तों लोगों को इस भौतिक जगत के प्रति हमें अनासक्त होना चाहिए, भौतिक जगत के जो अनित्यता है इसको देख के हमें इस भौतिक जगत के प्रति अनासक्त होना चाहिए और भगवान के प्रति आसक्त होना चाहिए। इस भौतिक जगत के साथ हमारा संबंध टेम्पररी है, लेकिन बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि यही जीवन सब कुछ है, यही जीवन सब कुछ है, एक लाइफ मिला है, यही सब कुछ है, पैसा कमाना, काम करना, यही सब कुछ है, और हम लोग अटैच हो जाते हैं, हमारे जो भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या भौतिक जो प्राप्ति है या जीवन है उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं और हमारा अटैचमेंट इधर रह जाता है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उदाहरण देते हैं, वो वरजात्री जो है, वरजात्री का जो पास टाइम है, वो वरजात्री जा रहे थे और नाव में चढ़ के, और सब लोग नाव में चढ़ गए और सुबह हो गया, देखा नाव उधर ही पड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि नोंगर नहीं उठाया था। उसी प्रकार हम लोग भक्ति के जो नाव बोट ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन अगर आसक्ति का नोंगर को नहीं उठाएंगे, एंकर, आसक्ति का जो एंकर उसको नहीं उठाएंगे, तो भक्ति का जो 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 बोट है, भक्ति का जो नाव है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सारे चीज इस चैप्टर में हम लोग श्रवण करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें हमें भक्तों को आत्म समीक्षा करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो एक भक्त जो होते हैं अपने भौतिक दायित्व पालन करते हैं अनासक्त होके, उनके आसक्ति कृष्ण में रहते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज पांडवों का था। तो हम लोग शुरू करते हैं श्लोक संख्या 1। सुतो वाचा एवं कृष्ण सखा कृष्ण राजा राज्ञा भ्राता राज्ञा विकल्पितः कृष्णा विश्लेषकर्षितः। अनुवाद को ये भक्त एक जन पढ़िए। सुत गोस्वामी सेड, अर्जुना द सेलिब्रेटेड फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा वाज ग्रीफ स्ट्रिकन बिकॉज of his strong feeling of separation from Krishna. Over and above all the Maharaj Yudhishthir's speculative inquiries. तो आप लोगों को इतना समय लग रहा है एक ट्रांसलेशन पढ़ने में। तो सूत गोस्वामी ये जो पास्ट टाइम है वो सारा वर्णन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे थे हम लोग को पहले पढ़ रहे थे सोनो का ऋषि को।
तो सोनकादि ऋषि को सूत गोस्वामी ये भगवान के लीला और महाराज परीक्षित के जन्म के बारे में वर्णन कर रहे थे, और वो सारे चीज वर्णन करते हुए भगवान के लीला भी वर्णन कर रहे थे। तो जो महाराज परीक्षित श्रवण करना चाह रहे थे, तो सोनकादि ऋषि महाराज परीक्षित के जन्म वृत्तांत, उनके आविर्भाव, उनके तिरुभाव किस प्रकार हुआ, उसके बारे में श्रवण करना चाह रहे थे। भागवतम का अवतारणा कैसा हुआ वो श्रवण करना चाह रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार लीला किए, भगवान कृष्ण के तिरुभाव में धर्म किसका आश्रय लिया, ये सारे प्रश्न पूछे थे सूत गोस्वामी को। तो सारे प्रश्न के उत्तर वो एक एक करके दे रहे हैं। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं, तो कृष्ण के विरह में अर्जुन द सेलिब्रेटेड फ्रेंड ऑफ कृष्णा वाज ग्रीफ स्ट्रिकन बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। तो कृष्ण के गभीर विरह अनुभव करने के कारण, गभीर विरह में शोकाभिभूत होने के कारण अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के जो प्रश्न की उत्तर दे नहीं पा रहे थे। तो अर्जुन 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 के वाक रुद्ध हो गया था, और अर्जुन के जो नयन है वो अश्रु से भर गया था। तो कृष्ण के विरह से शोकाभिभूत होने के कारण अर्जुन के लिए युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न की उत्तर तुरंत देना संभव नहीं था। इस प्रकार अर्जुन एक सूखे हुए कमल के जैसे खड़े थे, सूखे हुए कमल के जैसा या प्राणहीन अवस्था में खड़े थे, और इसलिए ठीक है, हम लोग आगे वाले श्लोक में चर्चा करेंगे। शोकेन शुष्यत दधाना, विदो सरजरित प्रभा, विभुंसाम एवानुस्मरन्। अशोकनोत् प्रतिभाभिभाषितुम्, ओके अनुवाद पढ़िए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ड्यू टू द ग्रीफ अर्जुनस माउथ एंड लस्चर लाइक हार्ट हैड ड्राइड अप। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे थे कि अर्जुन को, कि आपकी जो लस्चर है, आपकी जो ज्योति है, आपके जो शरीर के प्रभा है, ये कैसे ह्रास हो गया है, कैसे उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस हो गया, कम हो गया कैसे। तो शरीर के ज्योति जो है, भक्ति करने से शरीर की ज्योति, मतलब जितना भगवान के स्पर्श में रहेंगे, जितना आप भक्ति करेंगे, और भक्ति के कारण क्या होता है, इस भौतिक इंद्रियों भोग के प्रति भी नेचुरल रिनाउंसिएशन या डिटैचमेंट होता है, और उसके द्वारा भक्तों के शरीर में एक दिव्य सौंदर्य का प्रभाव प्रकाशित होता है। हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट वीक में श्रील प्रभुपाद के बारे में, और श्रील प्रभुपाद भक्तों के बारे में वर्णन है कि लग रहा है कि लोग वैकुंठ से आए हैं। तो तो इधर अर्जुन के जो दिव्य प्रभा है, अर्जुन के सुंदर कमल के जैसा सुंदर शरीर, जो भगवान के संग स्पर्श में अर्जुन हर समय रहते थे,
तो सोचिए अर्जुन कितने सुंदर होंगे। तो अर्जुन के जो दिव्य प्रभा जो है वो कम हो गया था, हाँ तेज है, वो जो सौंदर्य है वो कम हो गया था, क्योंकि अर्जुन भगवान की विरह में शोकाभिभूत थे। अर्जुन के बाक रुद्ध हो गया था और अर्जुन के आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रहा था। तो अर्जुन भगवान की विरह में शोकाभिभूत होने के कारण जुगाइताम निमेशन चक्षुषा पावृषा इतम शून्ना इतम जगत सर्वम गोविंद विरहे न मे। चैतन्य महाप्रभु भगवत विरह का लक्षण बता रहे हैं। तो जुगाइताम निमेशन चक्षुषा पावृषा इतम, तो उनको हर क्षण जो है जूग के जैसे प्रतीत होता है भगवान की विरह में, भगवान की अनुपस्थिति में। और इस प्रकार वो हर क्षण भगवान की स्मरण करते हैं। जुगाइताम निमेशन चक्षुषा पावृषायताम शून्नायताम जगत सर्वम, और ये जो भौतिक पृथ्वी है शून्य प्राय उनको प्रतीत होता है, ये भगवत विरह है। भौतिक जगत में भी लोग अलग अलग प्रकार के अपने फैमिली मेंबर्स रिलेटिव या कुछ धन या कुछ खो जाता है तो वो भी शोकाभिभूत हो जाते हैं, लेकिन उस भगवत विरह और भौतिक विरह में जमीन आसमान फर्क है। तो भौतिक विरह में लोग हमेशा भौतिक विषयों की और शरीर के साथ जो भी चीज संपर्कित है, फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स घर उनके उनके अलग अलग प्रकार के जो इंद्रिय भोग है, उनके जो अनफुलफिल्ड डिजायर है इसके बारे में ही स्मरण करते रहते हैं, और इस प्रकार उनकी चेतना संपूर्ण रूप से शरीर के स्तर में रह जाता है और उनके चेतना हमेशा हमेशा इस भौतिक जगत के तीन गुण के द्वारा प्रभावित रहता है, उसमें कृष्ण की स्मरण नहीं होता है। लेकिन भगवत विरह में कृष्ण की स्मरण और इंटेंसिफाई होता है। और इसलिए जो सिंसियर डिवोटी है, सिंसियर डिवोटी के लिए किसी भगवान की अप्रकट या उनके शरीर छोड़ना, जैसे हम लोग देखे हैं कि बहुत सारे भक्त लोग शरीर छोड़ते हैं, तो उनकी भक्ति और इंटेंसिफाई हो जाता है, क्योंकि भगवान की स्मरण, क्योंकि सिंसियर डिवोटी है और हमेशा भगवान की स्मरण करने की प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए वैसी परिस्थिति उनकी स्मरण को और इंटेंसिफाई करते हैं। तो बाहरी दृष्टि से उनको शोकाभिभूत दिखता है, बाहरी दृष्टि से उनको प्राणहीन दिखता है, बाहरी दृष्टि से उनको उनके उनके जो लश्चर है, उनके जो क्या बोलते हैं दूती है, वो कम हो गया लग रहा है, लेकिन उनके उनके हृदय में, उनकी चेतना में कृष्ण स्मरण और इंक्रीज हुआ है। बहुत सुंदर है, मेरे को लग रहा है उनकी जो कृष्ण चेतना, कृष्ण की स्मरण और इंटेंसिफाई हुआ है। तो इधर शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं कि गंभीर शोक के कारण अर्जुन के मुखमंडल और उनके हृदय सूखे हुए कमल के जैसा शुष्क हुआ था, और इसलिए उनको प्रभाहीन या दूतीहीन लग रहा था। लेकिन तो ये सारे चीज हुआ था कृष्ण की विरह के कारण, और इसलिए नाउ रिमेम्बरिंग द सुप्रीम लॉर्ड ही कुड हार्डली अटर ए वर्ड इन रिप्लाई। और इसलिए कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं, तो हम लोग आगे जाके सुनेंगे कि कृष्ण की स्मरण करने से किस प्रकार जीवन प्राप्त होता है। कृष्ण की स्मरण तब कथामृतम तप्त जीवन कलमशापहम
श्रवण मंगल श्रीमदा भुवि गृहन्ति जे पुरी दाजना। तो कृष्ण के विराम है, ब्रजवासी गोपियां कृष्ण की हर क्षण स्मरण कर रहे थे और कृष्ण कथा सुन रहे थे और सुना रहे थे। तब कथामृतम तप तो जीवन, तो भगवान की कथा जो है ये तप तो जीवन। हम बहुत गर्मी में जब लोग तरपते हैं, ऐसे तरपते हुए लोगों के लिए हाँ बरसात की जैसा है। हरि बोल। तब कथामृतम तप तो जीवन, तो उनको जीवन प्राप्त होता है। वो भी रीडितम जो सुखदेव गोस्वामी जैसे महान कवि के श्री मुख मंडल मुख कमल से निकले हुए है। श्री मदाततम श्रवण मंगल, इसको श्रवण करने से ही मंगल होता है और भगवान की कथा श्रवण करने से ही भगवान की स्मरण होता है। तो और जो इस कथा का कथा दूसरे के पास वितरण करते हैं वो भूरिदा जना, वो सबसे सबसे उदार और दयालु व्यक्ति है। तो इधर इधर अर्जुन भगवान के बहुत निकट भक्त है और इसके कारण अर्जुन भगवान के पिया भगवान का स्मरण कर रहे हैं और उन भगवान के स्मरण करने के कारण भगवान के प्रति विरह और उनको तीव्र हो रहा है और इसलिए अर्जुन के लिए कोई प्रश्न के उत्तर देना संभव नहीं हो पा रहा है। कष्ट हो रहा था अर्जुन को कि भगवान अप्रकट हो गए और अर्जुन को बहुत कष्ट हो रहा था कि वो कैसे बोलेंगे। श्लोक संख्या 3, कृच्छेन संस्तभ्य सूचः पाणिना अमृच्य नेत्रयो पर ट्रांसलेशन ये और दूसरे कोई डिबोटी करी है। हरे कृष्ण, शरण गिरी दास बोल रहा हूँ प्रभु जी। आप रूप परी great difficulty he checked the tears of grief that smeared his eyes. He was very distressed because Lord Krishna was out of his sight and he increasingly felt affection for himself. And with great difficulties he checked the tears of grief that smeared his eyes. तो जब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे थे तो तब अर्जुन के आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रहा था। अर्जुन गंभीर शोक में डूबे हुए थे और इसलिए अर्जुन के लिए प्रश्न के उत्तर देना संभव नहीं हो पा रहा था। तो ये शिव चेतना महाप्रभु शुद्ध भक्ति के लक्षण के बारे में अश्वसाती के भावों के बारे में वर्णन करते हैं। तब नाम ग्रहणे भविष्यति, ये भगवान के नाम जप करने के द्वारा सिंसियरली अगर आप भगवान के नाम का डेली जप करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, पंचांग भक्ति का अनुशीलन करेंगे तो आप भी हम लोग भी ऑब्वियसली हैव टू अवॉइड ऑफेंसेस, अपराध को हम लोग अवॉइड करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग साधना भक्ति अच्छे से करेंगे तो इस भगवान के जो विराह है या अलग अलग प्रकार के जो भाव है रोमांच कंप अश्रु जो है चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त लोग प्रकट किए हैं तो ये सारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्जुन के लिए युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर देना संभव नहीं हो रहा था, ये बहुत कष्ट हो रहा था। तब अर्जुन ने क्या किया, बहुत कष्ट से उन्होंने अपने अश्रु को संवरण किया और अपने श्री हस्त से अपने अश्रु धारा को
आपने अश्रुधारा को हाँ उन्होंने पानी नाम मार्जितो नेत्रयो, अपने नेत्रों को हाँ उन्होंने मार्जित किया। परोक्षेन और उसके बाद परोक्षेन परोक्षेन समुन्नत प्रणय उत्कंठ कातरा। तो अर्जुन अर्जुन कृष्ण की अदर्शन के कारण परोक्षेन हाँ कृष्ण उनके दृष्टि के अगोचर हो गए, इसके कारण अर्जुन बहुत उत्कंठित हो गए थे और बहुत विराह में कातर हो गए थे। तो प्रणय उत्कंठा कातरा, और ये जो उत्कंठा है हाँ ये जो कातरता है मतलब जो बहुत विराह में दुख ग्रस्त होना, ये कृष्ण के प्रति प्रणय के कारण हाँ कृष्ण के प्रति अनुराग के कारण हाँ कृष्ण के प्रति अर्जुन के प्रेम के कारण कृष्ण के स्मरण के कारण हाँ अर्जुन अर्जुन कृष्ण की विराह में वो इस प्रकार उत्कंठा प्राप्त हुए थे। श्लोक चार, सखम मैत्रीम सुरिदम च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपम् अग्रजम् इति। अहो बाष्पो गदादः गिरा आहो बाष्प गदया गिरा अनुवाद। Remembering Krishna, which is benefactions, intimate familial relations, and his chariot driving, Arjuna, overwhelmed and breathing very heavily, began to speak. तो इस प्रकार जब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे थे तो अर्जुन काभिभूत हो गए थे और कृष्ण की स्मरण हाँ कर रहे थे। प्रणय उत्कंठा कातरा, बहुत उत्कंठित होके कृष्ण के प्रति प्रणय के कारण स्वाभाविक रूप से ही अर्जुन कृष्ण की अलग अलग लीला का स्मरण कर रहे थे। तो कृष्ण के साथ अर्जुन के सख्य भाव की संबंध था, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं सख्य भाव की संबंध था। और ऐसे जो सख्य भाव है तो जितने भी सख्य जो रस है सख्य रस के भक्तों में आदर्श है। तो अर्जुन के साथ कृष्ण की फैमिली रिलेशनशिप था, अर्जुन कृष्ण की बुआ के लड़का था और उनकी उम्र सेम था, एक ही उम्र के थे दोनों, और इसलिए अर्जुन के साथ कृष्ण की बहुत प्रेममयी संबंध था एक फैमिली रिलेशनशिप में भी। और ये तो सब फैमिली रिलेशनशिप तो भौतिक नहीं है भगवान के साथ अर्जुन की, और ये भी आध्यात्मिक ही है, और आध्यात्मिक स्तर में भी भक्ति के स्तर में भी अर्जुन के साथ कृष्ण की जो संबंध है वो बहुत ही सख्य रस की थी, बहुत ही घनिष्ठ थी। तो अर्जुन कृष्ण की नित्य सखा है, अर्जुन कृष्ण के नित्य सखा है। तो कृष्ण अर्जुन फिर से प्रकट हुए थे नारायण ऋषि के रूप में। तो अर्जुन कृष्ण की कृष्ण के नित्य पार्षद है, ऐसे नहीं कि अर्जुन के साथ उनको सख्य भाव हुआ इस भौतिक जगत में ही। तो अर्जुन कृष्ण के नित्य पार्षद है और नित्य पार्षद मतलब सखा है, नित्य सखा है। तो कृष्ण अर्जुन के प्रिय सखा थे और इसलिए इधर सख्यम मैत्रीम सुरिदम च, तो कृष्ण की सखा शुभाकांक्षी थे और उनके मैत्रीम
कृष्णा कृष्णा उनके मित्र थे और उनके उनके अर्जुन के जब अर्जुन को जब जब कठिन परिस्थिति हुआ पांडवों के जीवन में, तो भगवान स्वयं अर्जुन को पांडवों को रक्षा किए थे, अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। और इधर सौरिदम और अर्जुन के सुरित थे, कृष्ण भगवान अर्जुन के सुरित थे, उनके परम हितकारी थे और सारथी थे, कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। और फिर उनके उनके साथ अर्जुन के साथ अपने संबंध इतना घनिष्ठ था, उसको और घनिष्ठ करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आपके बहन के विवाह अर्जुन के साथ करवाया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत प्रेम करते थे, उनके साथ बहुत प्रेम की संबंध था। तो और फिर बाद में जब कुरुक्षेत्र की युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को विजयी करने के लिए, युधिष्ठिर महाराज को, अर्जुन सारे भक्त उनको राजा बनाने के लिए भगवान स्वयं उनके सारथी बने थे। और भगवान की इच्छा से कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारे सैन्यगण, बड़े बड़े महारथी, अतिरथी, इवन भीष्म पितामह जिनका इच्छा मृत्यु वरदान था, सब लोग मर गए। एक समुद्र के जैसे सैन्य संख्या सब लोग मर गए, लेकिन भगवान उनके जो प्रिय भक्त पांडवों को रक्षा किए थे। इस प्रकार भगवान के साथ अर्जुन के संबंध बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रेम पूर्ण था। और इसलिए युधिष्ठिर महाराज जब प्रश्न पूछने लगे तो कृष्ण अर्जुन कृष्ण की सारे जो लीलाएं हैं और कृष्ण के साथ उनके जो घनिष्ठ संबंध हैं, सख्यता, मित्रता, सारथ्य, बंधुत्व, ये सब कुछ स्मरण करने लगे। और गद गद स्वर से, जैसे उनके उनके बोल नहीं पा रहे थे और उनके उनके मुंह से गद गद भाव आ रहा था। और बहुत बहुत जोर से सांस लेने के कारण ये विरह भाव में होता है। तो आर्टिफिशियली हम लोग मैं भी वर्णन नहीं कर पाऊंगा और ना कि हम लोग आर्टिफिशियली इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अर्जुन की इस प्रकार स्थिति हुआ था और इस प्रकार अर्जुन बोलने लगे। तो जब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछे तो अर्जुन स्मरण कर रहे थे और उनको उनके बाक रुद्ध हो गए, तो इसलिए गदगद भाव से गदगदाया, बाष्प गदगदाया गिरा। तो गदगद स्वर से अर्जुन उत्तर देने लगे। तो पांचवा श्लोक अर्जुन उवाच। तो अर्जुन बोलेंगे युधिष्ठिर महाराज को कि किस लिए उनके जो विपुल तेज है, उनके जो विपुल तेज है वो प्रशमित हो गए हैं, अपहरित हो गए हैं, इसलिए और क्यों वो शोकाभिभूत है। तो सारे युधिष्ठिर महाराज के सारे प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक से अर्जुन देना शुरू करेंगे, जो हम लोग अगले वीक में श्रवण करेंगे। तो तब तक के लिए आप सबसे मैं विदाई लूंगा और आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग ये जो चैप्टर है, अर्जुन ने क्या प्रश्न का क्या उत्तर दिया और किस प्रकार भगवान के विरह अनुभव कर रहे थे, उसको आप खुद आप करिए आपके होमवर्क के रूप में। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रीमद भागवतम की। तो
आपके लिए होमवर्क है, आपने जो चैप्टर नहीं पढ़ा है या पढ़ नहीं रहे पिछले चैप्टर, प्लीज रीड आउट, आप पढ़ेंगे तो आपको और क्लोज कनेक्शन समझ में आएगा अर्जुन के चेतना और युधिष्ठिर महाराज चेतना, इसको और आप और डीपली आप अनुभव करेंगे तो तब आप और भक्ति में और आप भक्ति को और आप उनके भक्ति का भक्ति को थोड़ा 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 समझ पाएंगे। तो कुछ अनाउंसमेंट है, फर्स्ट अनाउंसमेंट है कि आप रथ यात्रा आ रहा है और आप लोग 5 तारीख से मंदिर खुलेगा और आप लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा राधा गोविंद जी का, हालांकि जगन्नाथ जी अनवसर काल में है तो जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हो पाएगा, रथ यात्रा के समय ही होगा, और लेकिन राधा गोविंद जी का बहुत सुंदर अद्भुत आकर्षणीय दर्शन आप लोग कर पाएंगे, आप लोग आ सकते हैं। दूसरा अनाउंसमेंट है कि रथ यात्रा के शुभ अवसर पे आप लोग जगन्नाथ जी का लीला का श्रवण करिए, हाई होलनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज सीरीज ऑफ लेक्चर दे रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब में सुन सकते हैं लाइव 7:30 आई थिंक एवरीडे, और अलग अलग महान भक्तों की जो लीला है जगन्नाथ जी की लीला आप लोग सुनिए, श्रवण करिए, स्मरण करिए और इस प्रकार जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे रथ यात्रा में आप लोग भाग ले सकते हैं। तो इस पर रथ यात्रा गुरु सदय में होगा और बहुत क्या बोलते हैं जो लॉकडाउन और कोविड के जितने भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके बहुत लेकिन आप लोग आ सकते हैं दर्शन करने के लिए, कुछ सेवा भी कर सकते हैं। जो भक्त लोग रथ यात्रा में कुछ डोनेशन देना चाहते हैं भगवान की सेवा के लिए, अलग अलग जो सेवा है हर साल होता है, वस्त्र सेवा या जगन्नाथ जी के अलग अलग प्रकार की जो होगा सेवा, उनके पूजा सेवा और जो बेसिक अरेंजमेंट है तो जो इधर भी मंदिर में भी होगा गुरु सदय में होगा तो ये सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार की सेवा के लिए है, आप लोग कुछ डोनेशन देना चाहते हैं तो दैट विल बी वेरी वेरी वेल अप्रिशिएटेड। ये अनाउंसमेंट है और एक अनाउंसमेंट है कि हम लोग जो नया जो बैच शुरू किए हैं नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज के डिवोटीज के लिए, उसका फॉलो अप के लिए कुछ डिवोटीज को जरूरत है। अगर आप लोग कुछ उत्साह के साथ कुछ फॉलो अप सेवा करना चाहेंगे